कम लोग कर रहे हैं, ऐसा काम करने में ज़्यादा मज़ा है जो सारी दुनिया कर रही है, और उसमें चैंपियन बनने का मज़ा ही कुछ और है। और अगर मैं किसी बच्चे को भी अगर ये सलाह देता हूँ कि आप इंडियन स्टाइल रेसलिंग करो, तो वो एक मनी प्राइस कंपटीशन होते हैं, राजनीति से त्रस्त होते हैं, जहाँ पे भीड़ बढ़ाने के लिए वो कंपटीशन कराए जाते हैं, भाषणबाजी हो जाती है और पहलवानों को इनाम बांट दिया जाता है, और वो इनाम कुछ दिन में खर्च हो जाता है, और उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई प्रमाण पत्र नहीं। अगर उसका मिलता भी है सर्टिफिकेट, तो वो कोई काम नहीं आता, क्योंकि वो अफिलेटेड कॉम्पिटिशन नहीं है। तो अधिकृत कॉम्पिटिशन खेलना बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों को, जिनसे उनका भविष्य बने और खिलाड़ियों को प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट मिले, नौकरियां मिले। फिर आपने कोचिंग में भी आप आए उसके बाद में, और अधिकृत कोच बने आप, तो खेल को हर व्यक्ति लौटाना चाहता है जो उसने हासिल किया अपने करियर में खेल से, आपने भी लौटाने की कोशिश की और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा जब भारतीय जूनियर लड़कियों की टीम को आपने प्रशिक्षित किया था। जी हाँ, 2004 में मैं 2004-2005 में मैंने NIS डिप्लोमा कोचिंग कोर्स को अपनाया, और जब मेरा NIS डिप्लोमा कोर्स अपनाने का मकसद था कि मैं कुश्ती में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाऊं और एक आधुनिक रूप से और एक साइंटिफिक रूप से अपनी कुश्ती को अंजाम दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी थी। मैं समझता था कि मैं 2004 के बाद मेरा कुश्ती में थोड़ा ठहराव आ गया था, तो उसको और अच्छे रूप में लाने के लिए मैंने NIS की और वहाँ से साइंटिफिक तरीके सीखना चाहे कि अगर आप में स्टेमिना कम है या स्पीड कम है, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आपने अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कम है, तो उसको आप किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखा, और उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2005 में जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, उसी के बाद मैंने रिकॉर्ड बनाया, और उसी से मेरा निखार आया। फिर 2009 में सब जूनियर महिला कुश्ती कैंप का मुझे कोच नियुक्त किया गया था भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा, और ये पहला मौका था कि मेरे को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कोचिंग लाइन में करने की ज़रूरत थी, और वहाँ पर महिलाओं ने एशिया चैम्पियनशिप जीती पहली बार हिंदुस्तान ने एशिया चैम्पियनशिप जीती, जापान को पीछे छोड़ा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी रशियन कंट्री जो कुश्ती में बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि मंगोलिया और चाइना जो लगातार प्रगति कर रहा है कुश्ती के क्षेत्र में, काफ़ी पीछे था और प्रगति करता हुआ काफ़ी आगे आ गया है, तो उनको ऐसे देशों को पछाड़ते हुए हमने पहली बार सब जूनियर एशिया चैम्पियनशिप का, कई लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता और चैम्पियनशिप हिंदुस्तान ने जीती, और वहाँ पर मैंने अपनी कोचिंग लाइन को एक शुरुआत की। आप अभी भी यहाँ पे भी इंदौर शहर के बच्चों को भी प्रशिक्षण देते हैं, तो बच्चे में क्या चीज़ देखी जाती है और क्या खास बात है जो जिसको आप सिखाने पे जोर देते हैं? देखिए, बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, और छोटेपन में हम ज़्यादातर ये देखते हैं रेसलिंग में कि हमारे 2 तरह के मसल्स टू फाइबर होते हैं बॉडी के अंदर, एक स्लो मसल